हेलो फ्रेंड्स, और रोहित परदेशी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हमने कवर किया है होप कैफ़े। मैंने इस होप कैफ़े के बारे में बहुत सुना था, पर फाइनली आई विजिटेड दिस प्लेस। और ये पुणे के पासपोर्ट ऑफिस के सामने ही है, सो इट्स इजी टू लोकेट। और देखते हैं क्या किया है मैंने ब्लॉग में। और आज हम निकल रहे हैं होप कैफ़े के लिए। होप कैफ़े ये पासपोर्ट ऑफिस के एग्जैक्टली सामने, सो आज हम उधर विजिट करने वाले। और इसे इंडियन सब्वे भी कहा जाता है, बिकॉज सब्वे में जैसे हम मील्स प्रिपेयर करते हैं, ब्रेड वो सब, चिकन ये सब कस्टमाइज करते हैं, वैसे ही होप कैफ़े ने भी स्टार्ट किया है। सो बिना कोई ज़्यादा बातचीत के हम सीधा उधर होप कैफ़े में नहीं मिलते, बाय। और ये ब्लॉग थोड़ा सा अटके होगा क्योंकि इसमें मैंने ना इंटरव्यू लिया है ना कुछ, सीधा मैंने फूड पे अटैक किया है। और होप कैफ़े का स्पेशलिटी ये है कि ये जो मतलब सब्वे जैसा है वैसे ही ये पूरा मतलब कस्टमाइज डिश करते हैं। और इसका जो एम्बियंस है डैम, मुझे बहुत पसंद आया होप कैफ़े का। और जो आप मेनू देख सकते हैं, आप इधर 13 टाइप्स के सॉसेस देख सकते हैं, तो हम वो मिक्स कर सकते हैं। यहाँ आपको 3 टाइप्स के ब्रेड मिलेंगे जिसमें आप कस्टमाइज चिकन और वेज में ले सकते हैं। तो इसमें बहुत से वराइटीज़ है, जैसे एग, चिकन, मटन, ऑल्सो पनीर फॉर वेज। और आई एम ग्लैड कि सर ने मुझे फर्स्ट टाइम जो डिश उन्होंने इनोवेट की है वो मुझे टेस्ट करने मिला है, जो चिकन सुप्रीम बाव है और वेज में पनीर टिक्की। सो ये दो हम ट्राई करेंगे 5 inches का। सो लेट्स गो। बेसिकली हमारे पास दो फास्ट सेलर हैं, एक तो है करम फ्राई बाव और दूसरा है चिकन कीमा बाव। तो अभी हम लोग एक नया आइटम सोच रहे थे जिसमें दोनों को दोनों खाने का मौका मिले, कि चिकन करम फ्राई भी खाएं और चिकन कीमा भी खाएं। तो आपको वही बना के दे रहे हैं हम लोग। और ये चिकन तो, मैरिनेट हुआ है जी, इसको हम लोग ओवरनाइट मैरिनेट करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको निकाल के, ये पैनको क्रम है ओके, तो इसमें हम लोग रोल करते हैं और गर्म तेल में डालते हैं। जैसे आप देख सकते हैं दोनों तवे अलग अलग हैं, वो सेक्शन वेजिटेरियन वालों के लिए है और ये सेक्शन नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए। सो दिस इज फॉर नॉन वेज और ये वेज के लिए। ओके, सुबह जब दुकान खुलती है हम लोग पहला ये मेसन प्लेस करते हैं जिसमें ये कीमा बना है। तो ये वाला और एक ग्रेवी है जो हमारा सिग्नेचर रेसिपी है, तो दोनों को हम लोग तवे पे गरम करते हैं। और बहुत लोग है तो इसका डायमीटर 5 inch है, तो मेरे हिसाब से ये पुणे का सबसे बड़ा बाव है। टाइम टू ईट फर्स्ट टाइम और ये मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच सर। और ये एक्चुअल में यूज है, बहुत यूज है। 5 inch मतलब इतना शायद दो लोग खा सकते हैं आराम से।
और इसकी प्राइस भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 250 रुपीज़ है। और दिस इज़ माई फर्स्ट बाइट, डैम इट्स टू हेवी, लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। डैम ये बहुत मतलब बहुत सही बना है। और इसमें मतलब दो मिक्सचर लाइक एक फ्राइड चिकन और ऑल्सो चिकन खीमा। सो इसमें जो मोजरेला चीज़ जो मतलब भर भर के फ्रेश वेजिटेबल्स, बस मतलब सच में मतलब जिसको भी मतलब मुझे सजेस्ट करना है तो ये डिश प्लीज़ ट्राई कीजिए सर, इट्स एक्चुअली गुड। 250 रुपीज़ और आराम से दो लोग खा सकते, पैसा वसूल है ये, 10 out of 10 मेरे तरफ। एंड दिस इज़ पनीर टिक्की पाव सब, ये मैंने दो कट करके लिया बिकॉज ये एक्चुअल में बहुत हेवी है। और सेम वैसे ही बनाए जैसे पिछला वाला था हमारा चिकन, बस इसमें पनीर टिक्की है एंड इट्स फॉर वेजिटेरियंस। और डैम इट्स अगेन हेवी और पूरा मतलब मुझे बहुत पसंद आया ये। ये वेजिटेरियन के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है, आप इधर आके पनीर टिक्की सच में ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगा, मुझे पसंद आया। So go for it. And this is for freshness, house lime water with chia seed. और सच बताऊँ तो मतलब ये एक्चुअल में नॉर्मल ही है बट उधर पूरा रिफ्रेशिंग है वो। सो आप ये ट्राई कर सकते हैं फॉर रिफ्रेशमेंट। और मुझे मतलब ज़्यादा इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता बट या इट हैज़ अ गुड टेस्ट। दिस इज़ अनदर डिश और ये आलू मटर टिक्के हैं। सो ये फोर सर्विंग में आते हैं। और एक्चुअल में मैं तो मतलब ज़्यादा वेज का पूरा फैन नहीं हूँ बट आई हैव टू ट्राई एंड आई हैव टू नो व्हाट इट सर्व्स। सो दिस इज़ माय फर्स्ट बाइट, या इट्स गुड, इट्स एक्चुअली गुड। मतलब उसमें चीज़ भी है, मटर, आलू। सो फॉर वेजिटेरियन दिस डिश इज़ बेस्ट, यू कैन गो फॉर इट। दिस इज़ शिलोंग चीज़ कॉर्न टिक्की और ये मेरा एक्चुअल में फेवरेट है। इसके अंदर पूरा चीज़ भरा है और कॉर्न है। सो दिस डिश इज़ माय फेवरेट। सो इफ़ अगर आप मुझे पूछो कि मटर या ये, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर चीज़ कॉर्न। प्लीज़ ट्राई दिस और मुझे बहुत पसंद आया। मतलब अगर ये दोनों में कंपैरिजन हो सो मैं इसे 10 out of 10 दूंगा और उस डिश को मैं 8 दूंगा बिकॉज मुझे इतना मटर और मतलब आलू ये पसंद नहीं ज़्यादा, पर जो चीज़ और कॉर्न का जो फ्लेवर मिक्स हुआ है तो आप इसके लिए डेफिनेटली जाओ, अगर वेजिटेरियन हो तो इसके लिए गारंटी जाओ। और लास्ट थिंग जो मैं भूल नहीं सकता, कोल्ड कॉफ़ी, और वो इनकी स्पेशल कोल्ड कॉफ़ी है, हॉप सिग्नेचर कोल्ड कॉफ़ी। ये मतलब इसकी टेस्ट जो मैंने ट्राई की, मैंने अभी तक वैसी कोल्ड कॉफ़ी किधर ही नहीं ट्राई की। सो अगर आप मतलब कोल्ड कॉफ़ी के शौकीन हो और आपको कुछ नया ट्राई करना है, मतलब आपने एक्चुअल में कभी कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, तो ये हॉप कैफ़े में आइए और आप ये ट्राई कीजिए। हाँ, मैं इसका सिर्फ मतलब रिव्यू दे सकता हूँ कि इसके थोड़ी प्राइसिंग थोड़ी सी हाई, मतलब नॉर्मल से थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा है, बट इसकी टेस्ट नॉर्मल से बहुत ऊपर है। सो कम एंड विजिट दिस प्लेस अपोजिट टू पासपोर्ट ऑफिस पुणे। और थैंक यू सो मच हॉप और आई विल डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस अगेन। सो गाइज, इफ यू हैवन्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, और ऐसे ही मैं और ब्लॉग्स लाते रहूँगा। फॉर नाउ बाय गाइज़।